हाय गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारे एरिए में सबसे बेहतरीन नेटवर्क प्रोवाइडर कौन सा है, यानी किस कंपनी का इंटरनेट सबसे बेहतरीन चल रहा है, उसको चेकआउट करेंगे। उसके लिए हम ओपन सिग्नल सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। तो ओपन सिग्नल का नाम आपने ऑलरेडी सुना होगा, तो फिर भी वीडियो में बने रहिए क्योंकि हम इसके कुछ फैक्ट और मिथ हैं उसको भी क्लियर करेंगे ओपन सिग्नल के बारे में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, कंटिन्यूसली देखिए। ओपन सिग्नल को हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं और इसको हम चेकआउट करते हैं, और यहाँ पे हर एक चीज़ को एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा तो भी आपको थोड़ा देखना होगा, क्योंकि इसको हम एक एक चीज़ को आपको सिंपल भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले हमारे को स्पीड टेस्ट करके आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो क्योंकि हम एयरटेल यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम एयरटेल का ही स्पीड चेकआउट कर रहे हैं। इसमें तीन चीज़ें हैं, एक डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड, दूसरा लेटेंसी। लेटेंसी क्या होता है, जो हमारा सर्वर कनेक्ट करता है हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर के थ्रू, उसके लिए कितना समय लगता है सर्वर से कनेक्ट होने के लिए, उसको लेटेंसी बोला जाता है। वो मिली सेकेंड में होता है। तो जैसे 70 मिली सेकेंड में हमारा एयरटेल हमारे सर्वर को कनेक्ट कर दे रहा है इंटरनेट के लिए, और इसकी डाउनलोड स्पीड 3.2 Mbps और अपलोड स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 3.3 Mbps करीब करीब बराबर आ रहा है, क्योंकि हम इंडोर में चेकआउट करें। मैं इंडोर में करके स्टोर कर लेता हूँ। अभी बैक करके मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ कि मैंने बहुत सारे टाइम पे, मतलब पर्टिकुलरली टाइम तक इसको चेकआउट किया हुआ है। जैसे हमने 17 अगस्त का 3 बार हमने चेक किया है। अभी थोड़ा टाइम पहले चेक किया था, एक तकरीबन 15 मिनट पहले। उसका 1.8 का डाउनलोड था, 3.1 का अपलोड था, यहाँ पे 1.6 का डाउनलोड अपलोड। यहाँ पे लगातार आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे डाउनलोड स्पीड कम है, अपलोड ज़्यादा है। ये हमारा मुंबई का एक पर्टिकुलर एक ही लोकेशन पे हमने ट्रैक किया हुआ है। ये 15 अगस्त का भी है, 16 जुलाई का भी है, बाद में 6 जुलाई का, 17 जून का, ये पूरा जो जून तक का है हमने, 11 जून। इसमें जो है देखिए, यहाँ पे अब 17 जून का आपका डाउनलोड स्पीड 6 का है, अपलोड का 12 है। लेटेंसी बहुत बेहतरीन है, 3.1 है। तो आगे हम लेटेंसी, अपलोड और डाउनलोड दोनों तीनों को एक्सप्लेन करेंगे, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि इसकी ड्रॉबैक क्या है, क्या सच में ये दिखाता है जो वो वही होता है या नहीं होता है। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पे मैं आपको मई का भी डेटा इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये मुंबई के आउटर लोकेशन का, यानी विलेज का, यूपी के विलेज का। यहाँ पे आप देखेंगे 15 मई को हमने देखा था 18 Mbps का स्पीड दिखा रहा था, 1 Mbps का डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड दिखा रहा था। चलिए मैं इसको बैक करता हूँ और सीधा चलता हूँ एनालिटिक्स देखने के लिए। एनालिटिक्स में मतलब क्या होता है कि किस तरह के नेटवर्क का यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है, क्योंकि हमारा 4G कंपेटेबल डिवाइस है और मुंबई में है और हम 4G सिग्नल स्ट्रेंथ चेक आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 100% सिर्फ 4G ही दिखा रहा है। अब दूसरी चीज़ आती है, यहाँ पे एक सेल टावर का सिंबल बना होगा, येरो जैसा यह सेल टावर है। किस सेल से हमारा टावर जो है, मतलब हमारा सेल फोन कनेक्टेड है, उसको चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से। उसको चेकआउट करते हैं क्योंकि मेरा लोकेशन यहाँ से ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। तो तुरभा MIDC का लोकेशन बता रहा है। यहाँ पे जो कनेक्टेड नेटवर्क है उसको हम चेकआउट कर लेते हैं। एक बार फिर से मैं अपने GPS को ऑन करके उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट स्लो चल रहा है, जैसा कि आपने ऑलरेडी चेक किया है। 1 Mbps का स्पीड दिखा रहा है, इससे थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ये टाइम लगता है, इसकी वजह से होता है। चलिए मैं बैक करके फिर से दूसरी तरफ चला जाता हूँ, सेल रिफ्रेश करता हूँ। सेल टावर यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, वो आपके नियरेस्ट सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि आपका डिवाइस कैसे कनेक्ट होता है, किससे। जैसे हमारा देखिए यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर रहा है। अभी हमारा को एक सेल पे कनेक्टेड दिखा दिया, वहाँ को मैं टच आउट करूँगा। तो यहाँ पे सेल ID है, दूसरा लैक ID होता है। ये हमारे सेल टावर का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिससे हम सेल को ट्रैक कर सकते हैं। हम मतलब जो हमारे BSS इंजीनियर होते हैं, BSS बिजनेस सब सपोर्ट इंजीनियर बोला जाता है, जो अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे एयरटेल के लिए अलग होगा, वोडाफोन के लिए, आइडिया के लिए अलग रहता है, और जियो के लिए अलग रहता है। उन लोगों का काम होता है कि उसको मेंटेनेंस करने के लिए उनको सेल ID दी जाती है, ताकि वो ट्रैक करके इजीली मेंटेन कर सकें। बहरहाल ये हमारे काम की चीज़ नहीं है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए। तो हम फिर से वापस बैक चलते हैं, और यहाँ पे हमारे को लोकेशन जो हमने शेयर किया, जहाँ से मेन पॉइंट हमारे वीडियो का आता है कि कौन सा नेटवर्क जो है हमारे एरिया का सबसे बेटर है। तो हमने यहाँ पे ऑन कर दिया है, और मैं लोकेशन से मतलब सेलेक्ट करूँगा कि हमारे लोकेशन के बारे में जानना है, इसलिए हमारे को लोकेशन पे रिफ्रेश करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑल ऑपरेटर दिखा रहा है, 2G 3G 4G, और ये व्यू नेटवर्क स्टेटस दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए 3 सर्विस प्रोवाइडर दिखा रहे हैं, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया। तो पहले में एयरटेल में 10 Mbps और अपलोड जो है 3 Mbps दिखा रहा है, जबकि जियो में 24 का और 5 का दिखा रहा है, और वोडाफोन में 14 का और 5 का दिखा रहा है। और यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेटेंसी जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, जो सर्वर से कनेक्ट करने में जो टाइम लगता है उसको लेटेंसी बोलता है। और सबसे बेहतरीन लेटेंसी जो होता है बिलो 50 अगर आता है तो बहुत बेहतरीन होता है, कि आपका इंटरनेट तुरंत सर्फिंग इंटरनेट का बहुत फास्ट होता है और फटाफट आप कनेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर एवरेज जो होता है 50 से 70-80 के आसपास रहता है। 100 से ज़्यादा जाएगा इसका मतलब आपका इंटरनेट बहुत स्लो चलेगा, यानी आप बहुत धीरे धीरे सर्फिंग कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए सिग्नल स्ट्रेंथ वोडाफोन आइडिया का लगभग सेम है, जियो का थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसको हम भी बात करेंगे। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ एयरटेल का डाउनलोड स्पीड 10 Mbps और अपलोड 3 Mbps इसी समय दिखा रहा है, जबकि हमने यहाँ पे चेकआउट किया हुआ था, जो आपको मैं हिस्ट्री फिर से दिखा देता हूँ।
कि यहाँ पे डाउनलोड स्पीड 3 MB, जबकि हमारा डिटेल में दिखा रहा है जो यहाँ पे नेटवर्क स्टेटस में वो आपका 10 MBPS दिखा रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है, देखिए अभी थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया, 12 MBPS का स्पीड दिखा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा पीक एवरेज होता है, ठीक है, कहीं पे मैक्सिमम स्पीड अगर मान लीजिए मिनिमम 3 दिखा रहा है और मैक्सिमम जो है 20-22 के आसपास चला जा रहा है, उसका एवरेज जो निकालेंगे, या फिर 21 चला जा रहा है तो 3 हमारा एक जगह दिखा रहा है, 21 एक जगह दिखा रहा है, तो एवरेज आएगा तो 12 के आसपास एवरेज आ जाता है। तो ये एवरेज स्पीड दिखाता है कहीं पे इस पर्टिकुलर लोकेशन में। और दूसरी चीज़ है, ये डिवाइसेस के ऊपर डिपेंड भी करता है, अगर हमारा डिवाइस मोबाइल डिवाइस के अलावा कोई और डिवाइस हो सकता है उसका इंटरनेट स्पीड ज़्यादा हो। इसके ऊपर हम एक ब्रीफ वीडियो बताएंगे कि मोबाइल का इंटरनेट और बाकी जो अलग डिवाइसेस हैं उनके इंटरनेट स्पीड में कितना डिफरेंस होता है, क्यों डिफरेंस होता है। यहाँ पे हमारे को जो समझने वाली बात है कि ये जो 18 MBPS या जैसे हमने अभी यहाँ पे 11 Jio का दिखा रहा है, कभी कभी 22-24 तक चला जाता है, तो एवरेज सबका सेम दिख रहा है, अपलोड स्पीड ज़्यादा दिख रही है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ भी जियो का कम हो गया, फिर से मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। अभी 24 MBPS जियो का दिखा रहा है और सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखा रहा है। तो एवरेज जो होता है आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर ये 24 का एवरेज है जियो का, तो मतलब इसका 50% रिड्यूस करके आप अंदाजा लगाइए, यानी ये 5 MBPS एयरटेल का आएगा और 6-7 MBPS आपका वोडाफोन आइडिया का आएगा, तो 50% रिड्यूस हो जाता है। ये आपका आपको समझना होगा, फुल स्पीड नहीं मिलती है। तो इसके ड्रॉबैक ये है कि आप इस पे अगर जाएंगे कि नहीं 24 MBPS आपको जियो का मिला है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये सिर्फ एक एवरेज बता जाता है, ये इसका सिग्नल, ये अपना जो ओपन सिग्नल, इसका ड्रॉबैक है। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि कैसे, हाँ, ये सिग्नल स्ट्रेंथ जो होता है, ये जो है जैसे ऊपर वाले में एक टावर कम दिख रहा है, मतलब एयरटेल में, वोडाफोन में भी एक टावर कम दिख रहा है और जियो में फुल टावर दिख रहा है, फिर भी स्पीड का एक इशू आता है कि फुल टावर होने के बाद भी नेटवर्क स्पीड कम रहती है। तो अगली वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे, कभी कभी फुल टावर होने पे, फुल सिग्नल होने के बाद भी इंटरनेट स्पीड स्लो रहता है, और इंडोर यूनिट जो हमारा एयरटेल चल रहा है उसके ये बारे में हम बात करेंगे कि वो कैसे काम करता है, उसकी स्पीड कैसे इंक्रीमेंट होती है, डिक्रीज होती है, क्या वाकई वो नेटवर्क बूस्ट करके चला रहे हैं या फिर हमें उल्लू बनाया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।